कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया वेक्टर एलजेब्रा चैप्टर में से। तो देखते हैं वेक्टर एलजेब्रा में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था हमारे को, इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी एन जो वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, सी से, सी के साथ परपेंडिकुलर। एक रिलेशन हमको ऐसा दिया गया है, ए इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस एन वेक्टर, जहां पे एन जीरो नहीं हो सकता। एंड दूसरा इक्वेशन हमको ऐसा दिया हुआ है, बी डॉट प्रोडक्ट विथ सी इज इक्वल टू 12। देन हमको फाइंड करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि वेक्टर एन जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सी। एन एंड सी दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि एन डॉट प्रोडक्ट विद सी क्या है, जीरो है, क्योंकि एन एंड सी दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा रिलेशन हमको ऐसा दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस एन। चलिए इसको तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, एन डॉट सी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा बी डॉट सी माइनस एन डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। चलिए तो ये क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एन डॉट सी जीरो है। तो हमको इक्वेशन क्या मिला, ए डॉट सी हमको मिला अल्फा बी डॉट सी, ये मिल गया। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, सी का क्रॉस प्रोडक्ट है ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। हमको इसकी फॉर्मूला पता है, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर है अगर, तो पी क्यू क्रॉस डॉट आर माइनस पी आर डॉट क्यू डॉट प्रोडक्ट होगा। चलिए यहाँ पे ए बी के टर्म्स में है, तो सी सबसे पहले क्या होगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ एंड डॉट प्रोडक्ट ए बार माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ एंड बी डॉट प्रोडक्ट बाहर मोड। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए एंड सी, सी एंड ए दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा बी डॉट सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, सी डॉट बी डॉट ए माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फा बी डॉट सी डॉट। चलिए इन दोनों में से बी डॉट सी कॉमन ले ले सकते हैं बाहर, तो बाहर आ जाएगा बी डॉट सी, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हमारे पास ए माइनस अल्फा बी। अभी ये रिलेशन तो कहीं देखा हुआ लगता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास रिलेशन है ए इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस एन, यानी कि अगर एन को अगर हम सब्जेक्ट बनाए, यानी कि इसको सामने की साइड भेज दे, ए को इस साइड ले ले, तो अल्फा बी माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, मोड है तो माइनस प्लस दोनों सेम होगा, यानी कि इसकी जगह पे हम एन लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा बी डॉट सी, ये हो जाएगा एन। ये क्या है, एन यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका वेक्टर क्या होगा, वन। बी डॉट सी, बी बी डॉट सी हमको क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यानी कि 12 × 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया।